नमस्कार, इंसानियत की आवाज़ में चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ इंसानियत की आवाज़ में। आज हम पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र के लुक्खी गांव में, और लुक्खी गांव के जो सरपंच हैं वो रजत राणा जी हैं, और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे रजत राणा जी के जो पिताजी हैं, उनसे उनके विचार जानेंगे, और साथ ही हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से रजत राणा जी और उनके पिताजी को शुभकामनाएँ देते हैं। बधाई की वोटों से उनकी जीत हुई है, और साथ ही हम उनसे पूछेंगे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वो अपने गांव वासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहिए। चलिए हम चलते हैं, बात कराते हैं आपकी जो रजत राणा जी हैं उनके पिताजी से। जी सर, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले इंसानियत की आवाज़ के पहुँचने पर सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। आप अपने जो गांव वासी हैं उनको क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने गांव वासियों को, पूरी छत्तीस बरादरी को यही धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जता के मुझे बहुत अच्छी वोटों से जिताया। जी जी। और सर, आप कितनी वोटों से आपकी जीत हुई? मेरी जीत हुई है 103 वोटों से। जी सर। और सर, आप अपने गांव में सबसे पहले क्या कार्य कराएंगे? सबसे पहले कार्य तो हमारे यहाँ पे जल की बहुत समस्या है, जो सारी पाइपलाइन है जो बहुत पुरानी हो चुकी है, फूटी पड़ी है, बहुत गंदा पानी आता है। सबसे पहले तो हम सरकार से कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम अपनी जो गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, उनकी मरम्मत करवाने का पूरा काम करेंगे, बढ़िया से बढ़िया सफाई का व्यवस्था करवाएँगे। अपनी तरफ से कोई गाँव में गंदगी का ढेर लगे पड़े हैं, उसको सफाई करवाने का हम वादा करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।